नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितु रिंकूस किचन एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग निकले हैं इंटरनेशनल बुक फेयर देखने के लिए, जिसका आज लास्ट डे है। पता नहीं आज कैसे देख पाएंगे, इतना भीड़ है। हम लोग एक्चुअली एग्जाम की वजह से नहीं आ पा रहे थे, आज लास्ट डे है बोल के बहुत ही भीड़ है। हम सोचे थे कि चलो देख के आएंगे, आज लास्ट डे है ख़त्म हो जाएगा, पर इतना भीड़ होगा ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। बुक फेयर है या क्या है पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है मेले में है, बुक फेयर कहीं से नहीं लग रहा है। चलते हैं अंदर, आ ही तो गए हैं, देखते हैं कितना देख पाएंगे। ये एक्चुअली हो रहा है सेंट्रल पार्क करुणामयी में, एकदम मेट्रो स्टेशन के पास, करुणामयी मेट्रो स्टेशन। और जैसे दिख रहा है, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स आए हैं, मतलब शायद जिसको जिस टाइप का बुक का ज़रूरत है इधर सब मिल जाएगा, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, या दूसरा कोई रिसर्च बेस्ड हो, कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ बुक आप यहाँ से पा सकते हो। ये रहा विद्यासागर यूनिवर्सिटी का स्टॉल, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टॉल आए हैं, पर भीड़ इतना है कि हम लोग कहीं अंदर मतलब घुसने का मन ही नहीं कर रहा किसी स्टॉल में, बाहर से ही आज देखते हुए चलेंगे। देखिए कितना लंबा लाइन है, ये हर साल आता है यही टाइम में बुक फेयर होता है यहाँ पे। ये 46 बुक फेयर है, 46 इंटरनेशनल बुक फेयर। कोशिश करेंगे अगले साल मतलब जल्दी आ जाए, जैसे ही स्टार्ट होगा आके देखने के लिए। ये कुछ प्ले चल रहा है बच्चों का, कोई तेरे ग्राम गोले और जाए गाय से गाड़ी।
ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक स्टॉल है, मतलब जहाँ पे दुर्गा पूजा थीम बनाया गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लोग दुर्गा पूजा के हिसाब से ही जानते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है यहाँ का दुर्गा पूजा, तो उसी वजह से यहाँ पे वही थीम बनाया गया है। ये वेस्ट बंगाल पुलिस का स्टॉल है, ये वाला ट्रैफिक पुलिस का है। ये आ गया इस्कॉन का स्टॉल, बहुत ही अच्छा मेला हुआ है, पर क्योंकि आज आखिरी डे है तो देखना नहीं हो पाया ठीक तरह से। नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे एकदम टाइमली आने के लिए, सबको भी आना चाहिए, खास करके जो लोग बुक लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।